देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा हो गया। दुर्गा विसर्जन के दौरान मल नदी में अचानक आई बाढ़ में बहकर 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 25 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। देर रात से एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बुधवार को रात करीब 8 बजे मल बाजार शहर और चाय बागान के आसपास लोग बड़ी संख्या में मल नदी के किनारे दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान नदी के दोनों किनारों पर भारी भीड़ जमा थी। दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की टीम लगातार माइक से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नदी किनारे पानी कम था, इसीलिए लोग प्रतिमा को लेकर नदी के बीच तक जा पहुंचे। इसी दौरान नदी में जल का स्तर बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी और 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ डूबने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जलपाईगुड़ी के एसपी देवऋषि दत्ता ने बताया कि हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। पीएमओ ने ट्वीट पर लिखा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूँ। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। इस खबर पर अपनी राय भी जरूर साझा कीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।